हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग उत्तराखंड की धरती से ईश्वर। दोस्तों गाइज, एक नई सुबह से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, तो आइए आपसे कुछ बात करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो गाइज, दरअसल अभी का सीन ये है कि मैं और गोपाल भाई जा रहे हैं पीलीकोठी। दरअसल वहाँ पे गोपाल भाई के कोई फ्रेंड रहते हैं पीलीकोठी में, तो गोपाल भाई को उनसे काम भी है और हमारा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। तो चलिए अभी फिलहाल तो हम पीलीकोठी चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधे वहीं पे। तो गाइस यहाँ पे दरअसल एक पोपट ये हो गया था कि मैं गोपाल भाई किसी गली से शॉट मार रहे थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे फंस चुके हैं किसी गली में, तो रास्ता ढूंढते हैं मेन रोड में जाने के लिए। गोपाल भाई क्यों पूरा अरे यार शॉट किया, मैंने सोचा यहाँ से शॉट यार पकड़ लिया हम मेन रोड में पहुंच जाएंगे, लेकिन गाइस यहाँ से हम फंस चुके हैं गली में। अब सामने हमको रोड तो दिख रही है, चलिए इस गली से निकलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली हमको मिल गई है सड़क, सामने देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे सड़क मिल गई और सामने एक मंदिर भी है, पता नहीं कौन सा, अभी देखते हैं वहाँ पर जाकर के। चलिए तो गाइस आपको सामने जो दिख रहा है वो शिव मंदिर है, महादेव का, जय हो महादेव, देख सकते हैं आप वहाँ पे मंदिर। तो गाइस अभी इस वक्त देखिए मस्त धूप भी खिल चुकी है ऊपर, और इस वक्त हम जो है कौन सी वाली रोड पे, पीलीकोठी वाली रोड पे, यहाँ से जा रहे हैं हम सीधे मेन रोड में। और ये गोपाल भाई, हम फंस गए थे नीचे किसी गली पे, तो अभी देखिए हम मेन रोड पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से जाएंगे सीधे ऊपर मेन रोड जो है काला ढूंगी चौराहे वाली रोड जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। पीछे आम का पेड़ देखिए, और ये स्कूल की बस आ रही है, तो अभी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं इसमें बस में, सुबह सुबह के टाइम में, मतलब बच्चे सारे यहाँ, मतलब हल्द्वानी में सारे जितने बच्चे स्कूल जाते हैं सारे बस में ही जाते हैं, तो अभी हम लोग निकलते हैं सीधे मेन रोड में, वहाँ से चलेंगे फिर ऊपर को। और गाइस हम लोग आज पीलीकोठी दरअसल किसी काम से आ रखे थे, गोपाल भाई का फ्रेंड है वो यहाँ पीलीकोठी में, तो उनसे कुछ काम था, तो इस वजह से मतलब मैं और गोपाल भाई सुबह मॉर्निंग में आए हुए थे यहाँ पे, तो काम हो गया है, तो अब हम निकलते हैं सीधे रूम के लिए। तो गाइस हमें फिलहाल मेन रोड में पहुँच गए हैं, देखिए। अरे गोपाल भाई यार तुमने तो आज बहुत घुमा दिया भाई गली गलियों से। फिलहाल हम निकलेंगे यहाँ से सीधे तल्ली बमोरी जहाँ पे हमारा रूम है, तो ये गोपाल भाई और मैं सीधे निकलते तंदूरी धनखंड। तो ये पीलीकोठी पे यहाँ पे हनुमान मंदिर है गाइस, देखिए आते आते हमने मिल गए यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पर से दर्शन करते हुए सीधे चलेंगे आप वहाँ को रूम के अपने। और आप देखिए गाइस यहाँ पे जो पीछे देख रहे हैं आप, अमृतसर नदी वाला पीछे लगा हुआ है, वो ये भैया यहाँ पे इतने मस्त राजमा चावल बनाते हैं ना, हम काफ़ी बार आते हैं यहाँ पर राजमा चावल खाने के लिए, और गोपाल भाई तो पता नहीं आते हैं नहीं आते हैं, बोल रहे थे एक दिन कि मैं ले जाता करती यहाँ से, लेकिन जो ये भैया हैं आज अभी तो आने रखे, थोड़ी देर में आएंगे, तो पीछे जो देख रहे हैं आप रेडी लगी हुई है, तो काफ़ी मस्त राजमा चावल बनाते हैं, आते हैं काफ़ी बार हम, कभी दिखाएंगे यहाँ पे आएंगे तो आपको। और मेरे पीछे देख सकते हैं गाइस आप, आर्मी डिफेंस एकेडमी है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है तो आ सकते हैं आप यहाँ पे, पीलीकोठी के पास में है। और मस्त यहाँ पे छाया यार, पेड़ देखिए एकदम हरा भरा, बिल्कुल इतना बढ़िया लग रहा है मस्त करके, क्यों गोपाल भाई? रूम पे तो वहाँ पे काफ़ी गर्म हो जाता है हमको, लेकिन यहाँ पे मतलब इतनी मस्त छाया हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और पीछे भी बड़ा सा आम का पेड़ है, सामने दिखाता हूँ मैं आपको। और गाइस ये देखिए सामने आप देख सकते हैं गुलाटी है, तो यहाँ पे जो हमारे नए भाई आ रखे तिल्लोक भाई, वो काम करते हैं इसमें गुलाटी में, अभी आ जाएंगे वो 10 बजे थोड़ी देर में, क्यों गोपाल भाई? बिल्कुल। और ये गोपाल भाई ने लगा रखा है उनको, बोले गोपाल भाई ने बात की उनकी यहाँ पे। तो और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा अर्जुन कॉम्प्लेक्स है, अर्जुन कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग। तो अभी हम फिलहाल पहुँच गए अपनी गली पे गाइस, और पीछे सामने डॉक्टर लाल पैथले हो गया, अभी हम पहुंच गए यहाँ पे। अरे तो क्या हाल है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और दादा भी पहुंच गए यहाँ पे आज शॉप पे, कितने बजे आ जाते हो सुबह? साढ़े पाँच बजे। बढ़िया है यार, मॉर्निंग का टाइम तुम्हारा मस्त एकदम, तो हमको दे दो फ्रूटी यार, गला सूख गया काफी। यह हमारे विनोद दा गाइज, सारा सामान जो भी हम इनके यहीं से ही ले जाते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी देख रखा है इनको। और इससे अच्छा पे फोन लाते क्या? चलो दा अभी वापसी मारते हैं, ठीक है मिलते हैं। देख लीजिए गाइस, इनका मतलब बोला जनरल स्टोर करके है यहाँ पे,
पीछे जाके दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हर प्रकार की मतलब जो भी है घरेलू उपयोग की सभी सामग्री वस्तुएं, दूध दही मट्ठा घी पनीर वगैरह सब चीज यहाँ पे मिल जाएगा आपको हमारे यहाँ पे विनोदा की शॉप में। तो क्या है दो ही फ्रूटी लेकर के आ रखे हैं हम, चुपचाप दो ही फ्रूटी लेकर के आ रखे हैं हम। गोपाल भाई बोल रहे हम दो पी लेते हैं करके, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे मोहित भाई भी है, बिगदा भी है, तिल्लोक भी है, तो किस किस को देंगे। हाँ बिगदा चले गए हैं लेकिन तिल्लोक भाई और वो हैं। अच्छा यहाँ पे पीते हैं साल है जी मली बटी करती है। तो देखिए गाय चोरी चोरी पीना पड़ रहा हमको। ये गोपाल भाई ने तो मुंह भी लगा दिया, कितनी जल्दीबाजी हो रही गोपाल भाई को। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रूम पे अपने, मैं और गोपाल भाई घूमते हुए। गोपाल भाई का काम भी निपट गया तो थोड़ा सा यार थान किसी गला सूख गया था। हमने विनोदा की शॉप से फ्रूटी ले ली, ठंडी ठंडी मीठी मीठी बढ़िया होती है, 10 रुपये की आती है, ये ले ली। गोपाल भाई ने तो खत्म भी कर दिया यार, इनको ये बाइक हो जाए इतनी जल्दी हुई रहती ना गोपाल भाई को पीने की खाने की, खत्म कर दिया पूरा डिब्बा है, मेरी अभी भी बची है इसमें। तो चलिए गाइस मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में आपको। तो पहले यार नहाना भी है, उसके बाद भी ड्यूटी भी जाना है आपको पता ही है, तो पहले इसको खत्म करते हैं पीते हैं फिर मिलता हूँ उसके बाद में आपको। सही गाइस फाइनली मैं नहा करके तैयार हो गया हूँ। देखिए अभी मोहित भाई भी नहा रहे हैं और हम लोग जाएंगे अभी ड्यूटी पे आपको पता ही है जैसे कि। तो अभी चलते हैं फिलहाल सीधे ड्यूटी पे, वहां मिलते हैं। तो गाइस यार मैं वापिस आ गया हूँ रूम पे और खाना वाना बनाने के लिए, खाना वाना खाएंगे, खाना खाने के लिए आता हूँ। तो यार भूख लग रही है बहुत तेज की, बहुत ज्यादा लग रही है। अभी दाल से बना के गए हुए थे यहाँ पे देख लीजिए, और मस्त मैं चावल बनाता हूँ, खाना वाना खाते उसके बाद मिलते हैं आपको, काफी तेज की भूख लग रही है। तो गाइस मैं आ गया हूँ खाना खा करके शॉप के अंदर और अभी मोहित भाई गए हुए हैं खाना खाने के लिए। तो गाइस कस्टमर आ गए, पहले मैं उनको देखता हूँ फिर मिलता हूँ आपको बाद में। तो गाइस फाइनली मैं अपने रूम के छत पे आ गया हूँ और अभी देखिए सूरज भी चला गया है और मस्त इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो गाइस इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की मस्त वीडियो सबसे पहले पहुँचते रहेगी। तो गाइस मिलते हैं आपको इसी प्रकार की अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अबे गाइस देखिए गोपाल भाई क्या बोल रहे हैं कि पीछे जो जीप खड़ी है वो हमारी है। बल गोपाल भाई तुम्हारी है क्या, तुम्हारी की हमारी हमारी नहीं है।